video we are going to do question number 5th of exercise 4.2. In our previous video we have done question number 3rd and question number 4th of this exercise. ठीक है, आज हम question number 5th को करते हैं solve. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. मतलब जो उसका एल्टीट्यूड है, मींस जो परपेंडिकुलर है राइट ट्रायंगल का, वो 7 सेंटीमीटर कम है किससे, बेस से. एंड हाइपोटेन्यूज गिवन है आपको 13 सेंटीमीटर. अब आपको क्या करना है, बाकी के जो दो साइड्स है वो फाइंड आउट करने हैं. आपको पता होना चाहिए कि राइट ट्रायंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम है वो एप्लीकेबल होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेट सपोज हमारे पास बेस जो है वो x सेंटीमीटर है. ठीक है, अगर बेस x सेंटीमीटर है तो एल्टीट्यूड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब x माइनस 7. ठीक है, अब ये जो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम है वो हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, और आपका क्या है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. ठीक है, 13 का स्क्वायर आपको पता है 169 होता है, x का स्क्वायर x, देन आप x माइनस 7 का होल स्क्वायर को ओपन करोगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49, यहां पे आएगा माइनस 14x. ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करी, a माइनस बी का होल स्क्वायर. क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, वो आइडेंटिटी यूज करके हमने ये वाला x माइनस 7 का ब्रैकेट जो था होल स्क्वायर का ब्रैकेट वो ओपन कर लिया, एंड देन हम टर्म्स कलेक्ट करेंगे. देखिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x प्लस 49. अब ये टर्म यहाँ ट्रांसपोज होगा तो ये माइनस 169 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 120 इक्वल टू जीरो, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x. ठीक है, इन दो टर्म्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बस ये दो टर्म्स जो कांस्टेंट थे वो कलेक्ट होके माइनस 120 बन जाएंगे. अब आपको क्या करना है, आप इसको थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू जीरो. अब आपने क्या करना है, आपने जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है कॉन्स्टेंट टर्म, उसका जो प्रोडक्ट आता है उसको आप फैक्टराइज करिए ऐसे दो नंबर में जिनको या ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 7 आ जाए. तो मैं इसको फैक्टराइज करती हूँ 12 and 5 में. ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसी रहने देती हूँ, 12 minus 5 एक्स माइनस 60 इक्वल टू जीरो. 12 माइनस 5 क्या होता है, 7, माइनस का मैंने ऐसी साइन जगह एज इट इज लिख दिया और x की जगह पे x. अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू जीरो. ये माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, आपका आंसर अदरवाइज गलत आ जाएगा. देन आप फर्स्ट टू टर्म में कॉमन निकालेंगे. ठीक है, देन लास्ट टू टर्म में कॉमन निकालिए, 5 आएगा. ठीक है, अब देखिए आपके पास दो और ब्रैकेट आ रहे, x प्लस 5, एक आ रहा है x माइनस 12 इक्वल टू जीरो. अगर फर्स्ट ब्रैकेट जीरो है तो वैल्यू कितने आ रही है x की, माइनस 5. अब आपको पता है साइड जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो x की जो वैल्यू माइनस 5 है वो यहाँ पे वैलिड वैल्यू नहीं है. आप x इक्वल टू माइनस 12 इक्वल टू जीरो, अब इसको जब जीरो रखते हो तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 12. मींस आपने जो बेस माना था x उसकी वैल्यू आ रही है 12, सो आपकी एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 7 दैट इज 12 माइनस 7, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5. तो देखिए आपने क्या कर दिया है, आपने बेस की वैल्यू निकाल दी है जो कि क्या आ रही है 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या आ रही है 5 सेंटीमीटर, सो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है. क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. वो क्या कह रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं एक पर्टिकुलर डे में. ठीक है, अब उस दिन की एक कंडीशन ये बता रहा है आपको कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर एक आर्टिकल का वो क्या है, 3 times
थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कि अगर जो नंबर ऑफ आर्टिकल है अगर आपको टू टाइम्स उसको करो, उसमें थ्री ऐड कर दो, तो वो क्या होगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, अब एक और चीज बोल रहा है क्वेश्चन, हमें ये बोल रहा है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस दिन का जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है 90 रुपीज। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। लेट्स सपोज नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है, एक्स, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं, एक्स हो गए। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो क्या है, टू टाइम्स एक्स प्लस थ्री। ठीक है, थ्री मोर देन टू टाइम्स एक्स। अब देखिए आपको दे रखा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन का। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जो आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उसको आप मल्टीप्लाई करो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर एक आर्टिकल का उससे, तो वो आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है कितना, 90। तो ये जो हमारे पास लाइन आई है ये कहां से आई है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई है, हमने बोला जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस दिन का वो 90 रुपीज है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। अब आपको क्या करना है बेटा, आप जैसा करते आए हो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है कॉन्स्टेंट टर्म उसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू जो आ रही है उसको फैक्टराइज कर दो नंबर्स में। देखो यहाँ पे हम कभी भी ना नेगेटिव को नहीं, मतलब जो साइन है उस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, हम चीजें स्टेटमेंट देखने के बाद करते हैं। ठीक है, हमें क्या लाना है, 3x लाना है। आपको पता है कि अगर आप 15x में से 12x माइनस कर देते हो तो आपके पास 3x आ जाएगा -90 एज इट इज रहेगा। देन आप कॉमन ले लीजिए, फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन आएगा ब्रैकेट के अंदर 2x + 15। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कॉमन लेंगे आपके पास 6 आएगा, ओके, तो अंदर आएगा आपके पास ब्रैकेट में 2x + 15 = 0। ठीक है, आप देखिए आपका जो फर्स्ट ब्रैकेट है दैट इज 2x + 15 एंड सेकेंड ब्रैकेट इज x - 6 = 0। अगर आप फर्स्ट ब्रैकेट को इक्वेट करते हैं 0 से, x की वैल्यू कितनी आती है 6, और अगर आप जो 2x + 15 है इसको इक्वेट करते हो 0 से तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी -15/2, जो कि एक वैलिड आंसर नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए आपको ये तो पता चल गया कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे, क्योंकि x किसकी वैल्यू थी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स की, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ आर्टिकल 6। अब आपको कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकालना है। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, 3 मोर देन 2 टाइम्स x, सो 2x + 3 वैल्यू थी, 2 × 6 + 3 दैट इज 15। सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना आ रहा है, 15। सो इस वे में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करके दे दूंगी, वहां से आप इसका सॉल्यूशन चेक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।